नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। युद्ध का हिस्सा 9 दिन बाद क्या, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है और रूस इस जंग में अपनी उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी अब तक नहीं पा सका। ऐसे में ब्रिटेन ने इस युद्ध को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है और ये आशंका जाहिर की है कि बहुत ही जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने बकायदा उस तारीख का भी जिक्र किया है जिस दिन बड़े जंग का ऐलान हो सकता है। रक्षा मंत्री का ये बयान विदेश मंत्री के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के एक दशक तक चलने की आशंका जाहिर की थी। तय हो गई है विश्व युद्ध की तारीख। क्या विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया? क्या तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है दुनिया? रूस यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका तो युद्ध की शुरुआत से ही जताई जा रही है, लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से किए गए दावे ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है जिसके मुताबिक विश्व युद्ध की तारीख तय हो गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे तीसरे विश्व युद्ध का डर एक बार फिर सताने लगा है। दावा किया जा रहा है कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे पर पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ जंग छेड़ने का हो सकता है। और इस दावे को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ रूस के कई तीखे बयान आए हैं। माना जा रहा है कि 9 मई को रूस एक बड़ी जंग का ऐलान कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने एक रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, रूस 9 मई को विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हालांकि रूस इस युद्ध में जैसी सफलता की उम्मीद कर रहा था वो उसे अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में रूस के विक्ट्री डे परेड के दिन पुतिन विश्व के नाजियों के खिलाफ यूक्रेन में अपनी बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर सकते हैं। ब्रिटेन के इन दावों का डर इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन में उनके खिलाफ लड़ने वाले हर शख्स को नियोनाजी कहा था। ऐसे में पुतिन का यह ऐलान यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ भी हो सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब 9 मई की तारीख सुर्खियों में आई है, बल्कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही 9 मई को यूक्रेन की जंग के अंत का अनुमान लगाया जा चुका है। क्योंकि 9 मई का दिन रूस हर साल विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। ये दिन दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के लिए याद किया जाता है। हर साल रूस 9 मई को अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। मॉस्को में रूस की फौज अपने सबसे दमदार हथियारों का प्रदर्शन करती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ परेड में शामिल किया जाता है जिसकी सलामी खुद राष्ट्रपति पुतिन लेने वाले हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि इस बार भी परेड से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करने की कोशिश होगी। अनुमान ये भी था कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की डेडलाइन 9 मई ही रखी गई है, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के एक बयान ने 9 मई की अहमियत और बढ़ा दी है। वॉलेस के मुताबिक 9 मई को पुतिन यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के दावों का सीधा मतलब ये भी है कि 9 मई का दिन पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत का दिन हो सकता है। अगर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का अनुमान सही साबित हुआ तो ये लड़ाई विश्व युद्ध में भी बदल सकती है, क्योंकि अगर
हमला यूक्रेन के मददगार देशों पर हुआ तो उसके दायरे में पूरा यूरोप भी होगा और अमेरिका भी। जाहिर है अगर ऐसी जंग की शुरुआत हुई तो दुनिया दो गुटों में बट जाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने यह बयान एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू में दिया जिसने थोड़ी देर में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ब्रिटेन के इस दावे के पीछे कुछ दलील भी हैं। ब्रिटेन का मानना है कि 9 मई के आने में केवल 10 दिन का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में रूस इस जंग का अंत नहीं कर सकता। अभी तक रूस अपनी उम्मीदों से काफी कम नतीजे निकाल पाया है। अगर रूस ने जंग खत्म करने में जल्दबाजी की तो नतीजे और भी खतरनाक होंगे। यूक्रेन की जंग में रूस शुरू से अपना दुश्मन यूक्रेन को नहीं मानता बल्कि यूक्रेन के उन दोस्तों को मानता है जो उसे हथियार दे रहे हैं, खास तौर पर नेटो और अमेरिका, जिनके हथियारों के दम पर यूक्रेन दुनिया की महाशक्ति से पिछले 65 दिनों से लोहा ले रहा है। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी कह चुके हैं, रूस खुद को नेटो के खिलाफ युद्ध में नहीं मानता है और यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों का उपयोग नहीं करता है और न ही किसी को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि इस जंग में कई बार रूस यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों का रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है। रूस के कई बड़े मंत्री नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं और यूक्रेन की मदद करने पर हर्जाना भुगतने की धमकी भी दी जा चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि 9 मई तक जंग खत्म ना होने की झुंझलाहट देखी जा सकती है। ब्रिटेन ने इसी झुंझलाहट के आधार पर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ब्रिटेन को लगता है कि 9 मई को भाषण देते हुए पुतिन बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को एक बड़ी जंग में बदल देगा। इस बार पुतिन के निशाने पर केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन के सभी मददगार देश हो सकते हैं। इस बीच रूस की तरफ से सीधी चेतावनी भी आ चुकी है कि अगर यूक्रेन की जंग में किसी और मुल्क ने हाथ डाला तो परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस चेतावनी को भी रूस के विक्ट्री डे और ब्रिटेन की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना के हमले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में काफी तेज हुए हैं। तो महायुद्ध का आज 66वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूस की सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर मौजूद हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहती है। लेकिन कौन कौन से वो शहर है जहां पर रूस की सेना दावा भी कर चुकी है और ऐसे में हमले भी तेज किए जा चुके हैं, ये यूक्रेन का पूरा मैप सामने आ गया। और जोर रूस की सेना का उन शहरों पर है जो कि सीधे तौर पर बॉर्डर से लगते हुए है। ये देखिए, खार्किव से इस पूरे जंग की शुरुआत की गई थी जहां पर सबसे ज्यादा हमले किए गए और ऐसे में दावा रूस की तरफ से यह है कि खार्किव पर कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही आप देखिए इज्यूम, रुबिन्से, इसके साथ ही सेवरोडोनेट्स्क, डोनेट्स्क, जहां पर इस वक्त रूस की सेना हर मोर्चे पर ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों की जान भी जा रही है। मारीपुल शहर जहां पर रूस की सेना पिछले कई दिनों से लगातार ये दावे कर रही है कि यहां पर हमने अपना झंडा बुलंद कर दिया है, यहां पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। और ऐसे में पोपासना वो शहर जहां पर इस वक्त रूस की सेना पूरे टारगेट पर लेती हुई नजर आ रही है, यहां पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं आसमान के जरिए। और खेरसोन जहां पर शुरुआत से ही लगातार रूस की सेना हावी होती हुई नजर आ रही थी। तो तमाम ऐसे शहर है जहां पर रूस की सेना इस लिहाज से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि इन शहरों पर कब्जा कर लिया जाए तो फिर बहुत आसानी से हम राजधानी कीव को अपने अंडर ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा बढ़ चुका है। रूस के एक टीवी चैनल ने यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक बार फिर परमाणु हमले का दंश झेलने को मजबूर हो जाएगी। क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करने वाले हैं? क्या रूस अब यूक्रेन पर अपना
आखिरी वार करने की तैयारी में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के टीवी चैनल की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। एक तरफ रूस यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया पर एक बार फिर परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के एक टीवी चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर छाया परमाणु हमले का साया, रूस के टीवी चैनल का बड़ा दावा, परमाणु बम हमले की जताई आशंका। Или мы проигрываем на Украине, или начинает... ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले पर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь третий. Юкрейн пар хамле ме руску бада нуксан. Юкрейн ки сена не кай тэнк ар виман гирае. Пичле 2 махине се зада вакт се рус Юкрейн пар лагатар хамле бол раха хе. Ар жаб ие юдд шару хуа та, то умид жатай жа рахи ти, ки ие юдд कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन पुतिन की ताकतवर सेना को यूक्रेन में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और रूस की सेना के कई कमांडर भी इस युद्ध में ढेर हो गए। यूक्रेन की सेना ने उम्मीद से कहीं ज्यादा साहस दिखाते हुए रूस की सेना का मुकाबला किया। रूस के हमलों से तबाह हुआ यूक्रेन, बर्बादी के बाद भी नहीं झुके ज़ेलेंस्की। हालांकि रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन ज़ेलेंस्की झुके नहीं, न ही उनकी सेना ने अपने कदम पीछे खींचे, जिसके बाद ही रूस के परमाणु बम के इस्तेमाल की अटकलें लगाई जाने लगी। Мне представляется все же более вероятным, чем вот такое. और अब जब रूस के ही टीवी चैनल परमाणु हमले पर चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया परमाणु हमले की दहशत से हर्रा उठी।